मैं यूथ सार्थक से नीतू गर्ग आज आपको एक्सेल एक्सेल क्या है इसके बारे में बताऊंगी। एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, चाहे बीटेक पास हो, चाहे आप एमबीए हो, चाहे आप सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कुछ भी हो, आप बिना एक्सेल के कहीं पे कोई काम कर ही नहीं सकते। एक्सेल का जो बेसिक यूज है वो है डाटा एंट्री करना, मतलब हर तरह के डाटा को इकट्ठा करना। जैसे आप अगर टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट की लिस्ट को एक्सेल में बना सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने आपके घर में फंक्शन है तो अपने गेस्ट की लिस्ट को बना सकते हैं, अपने घर का बजट बना सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन को सबको आप एक्सेल में बना सकते हैं। बिना एक्सेल के प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऑफिशियल जॉब पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो और चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। एक्सेल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बिना एक्सेल के आप कहीं पे काम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं अब आपको क्या बताती हूँ एक्सेल कैसे ओपन होता है, फिर एक्सेल में कैसे, आज मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगी, प्रोडक्ट लिस्ट। जैसे कि अगर मैं शॉपकीपर हूँ, मुझे अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है, तो मैं उस लिस्ट को कैसे बना सकती हूँ और कैसे उसमें जीएसटी वगैरह लगा के, डिस्काउंट लगा के, उस सेकंड कुछ ही समय में बहुत बड़ी लिस्ट की सारी कैलकुलेशन आसानी से कर सकती हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट पर, हमने यह एक्सेल खोला हुआ है, ये हम एक्सेल आपका ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल में बेटा इनको बोलते हैं कॉलम्स, इसको बोलते हैं रोज, याद रखिएगा। कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी से और रो रिप्रेजेंट करती है 1 2 3 से। ये आपके कंपटीशंस में भी पूछा जाता है कि कॉलम किसको रिप्रेजेंट होते हैं, तो याद रखिएगा कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी, यानी कि जो हमारी ए बी सी डी होती है बेटा ये कॉलम होते हैं। और याद रखिएगा कॉलम कितने होते हैं, मैक्सिमम कॉलम होते हैं हमारे 16384 और जो रोज होती है 1 2 3 रिप्रेजेंट करती है रोज को, और रो होती है हमारी 10,48,576। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सबसे लास्ट की रो ये रही 10,48,576। कंट्रोल के साथ आप अप एंड डाउन करके चारों कोनों में पहुंच सकते हैं। एक्सेल में जो फाइल खुलती है उसको बोलते हैं बेटा बुक। इंट्रोडक्शन है ना स्टार्टिंग का, तो एक्सेल में जो हमारी फाइल खुलती है उसका नाम होता है बुक, और बुक के अंदर होती है हमारी शीट। सबसे पहली यूनिट हो गई बुक, बुक के अंदर होती है शीट। बाय डिफॉल्ट इसमें होती है हमारी 3 शीट, जब भी हम नया एक्सेल खोलते हैं तो इसमें 3 शीट होती है 1 2 3, और इनको हम अपनी रिक्वायरमेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम ये जो शीट होती हैं ये आप 255 तक बढ़ा सकते हैं, शीट लाइक अ पेज, ठीक है। अब इनको बोलते हैं कॉलम्स, जो खड़े होते हैं वो कॉलम और जो लेटे हुए होते हैं मतलब इस तरह से होते हैं वो हमारी रोज, और रोज के अंदर इसको बोलते हैं बेटा सेल। ये जो एरिया है हमारा जिसको हम डिनोटेड कर रहे हैं इसको बोलते हैं सेल, जहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट सेल पर हूँ बेटा इसका एड्रेस है A1, ध्यान से याद रखिएगा जो पहला सेल होता है उसका एड्रेस होता है A1, और ये ना हमारे नेम बॉक्स पे दिखाई देता है, ये जो एड्रेस होता है ये हमारा नेम बॉक्स होता है यहाँ पर, इस पे हमारे सेल का एड्रेस दिखाई देता है, ठीक है। और सेल का एड्रेस दिखाई देता है, जैसे याद रखिएगा जैसे ये है तो इसका एड्रेस है D11, इसका एड्रेस है D11, D इसका कॉलम नंबर है और 11 इसका रो नंबर है, तो ये डिनोटेड कर रहा है D11। तो हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे आपके गली और मकान नंबर होते हैं ना बेटा, हाउस नंबर या सेक्टर, ऐसे ही हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रोज, और ये बेटा सेल है। तो सेल का एड्रेस क्या है, D11। ध्यान रखिएगा जिस सेल पे भी मेरा कर्सर है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल बदल रहा है, तो इसे बोलते हैं सेल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम सेल में काम करते हैं। सेल लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मुझे प्रोडक्ट लिस्ट बनानी है जैसे, तो मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लिख लिया मैंने कॉपी। सपोज मेरी स्टेशनरी की शॉप है,
मैंने लिख लिया कॉपी, पेन, रूलर, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख लिए, रजिस्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेंगे, उस नाम को लिखने के बाद मैंने लिखा उनकी कॉस्ट। और ये मत सोचिएगा कि आपके ओनली 4 नेम्स हैं, आपके ये अनलिमिटेड नेम हो सकते हैं। अब मैंने लिखी उसकी कॉस्ट, सपोज कॉपी है हमारी 70 रुपीज की, पेन है हमारा 20 रुपीज का, रूलर है हमारा 40 रुपीज का, और रजिस्टर है हमारा 100 रुपीज का। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे उनके कॉस्ट हो गई, उनके बाद क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी लिख ली, हम कितनी परचेज कर रहे हैं, 1, 2, 3, जितनी आप चाहें उतनी आप ले सकते हैं। अब हमने उनकी क्वांटिटी लिख ली जितनी हम चाहें। अब मुझे इसकी टोटल अमाउंट निकालना है, देखिए अब मुझे इसका निकालना है टोटल। अब मुझे पहला फॉर्मूला लगाना सिखा रही हूँ आपको मैं, टोटल। हर फॉर्मूले के लिए सबसे पहले इक्वल रखते हैं, याद रखिएगा फॉर्मूले का सबसे मेन पॉइंट है इक्वल, सबसे पहले रखेंगे आप इक्वल। उसके बाद आप क्लिक करेंगे कॉस्ट पे, B2 मतलब जहां कॉस्ट लिखी हुई है कॉपी की। फिर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बेटा मल्टीप्लाई का साइन कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 8 यूज होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं वो शिफ्ट के साथ यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, B2 मल्टीप्लाई, और फिर हम उसके बाद इस C2 पे क्लिक कर देंगे, तो B2 मल्टीप्लाई C2, उससे हमारा टोटल निकल जाएगा। हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा B2 मल्टीप्लाई C2, तो ये हमारा टोटल मेंटेन हो गया। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है इसका, B2 मल्टीप्लाई C2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मुझे सारों पे यही अप्लाई करना है, तो आपको 1 by 1 निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसे निकालेंगे और ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सबकी एंट्री अपने आप हो जाएगी। और ये मत सोचिएगा ये 4 नाम है हमारे, अगर हम नेक्स्ट एंट्री भी करते हैं तो उस पर भी ये फॉर्मूला वर्क कर जाएगा। जैसे हमने लिखा पेंसिल, अब पेंसिल है हमारी 20 रुपीज की और हमने खरीदे 6, तो देखिए अपने आप ही आ गया 120। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पुट है। तो हमने लिखा यहाँ पर, सपोज हमने लिख लिया कॉपी, एक और कॉपी लिखी हमने, वो कॉपी हमारी 90 रुपीज की, अब हमने खरीदी है 4 कॉपीज, तो देखिए अपने आप इसका आंसर आ गया 360। आपने अगर एक बार फॉर्मूला लगा लिया उसके बाद एंट्री करेंगे तो अपने आप उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सपोज मुझे इस पे डिस्काउंट निकालना है 10%, देखिए मुझे निकालना है डिस्काउंट 10%। अब 10% डिस्काउंट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, इक्वल, सबसे पहले 140 पे क्लिक कीजिएगा आप, बेटा बहुत सिंपल है, सबसे पहले 140 पे क्लिक कीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई 10%, जितनी भी परसेंटेज आपको निकालनी है, D2 मल्टीप्लाई 10%, तो वो उसका 10% निकाल देगा। देखिए 140 का 10% होता है 14 रुपीज, ये निकल गया 14 रुपीज। और इसे जब हम ड्रैग करेंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो टोटल आ गया, टोटल का 10% हमारा डिस्काउंट आ गया। अब अगर आपका जो डिस्काउंट वाला कॉलम है बेटा, बहुत ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, आप चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से रैप कर देंगे। यहाँ जाएंगे, होम में एक ऑप्शन होता है आपका रैप टेक्स्ट, बहुत ध्यान याद रखिएगा ये बहुत काम का ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। ये क्या करता है, आपके लाइन को दो, आपके मैटर को दो लाइन में रैप कर देता है इस तरह से, इससे वो देखने में अच्छा लगता है। तो डिस्काउंट निकल गया आप 10%। अब मुझे इसका अमाउंट निकालना है, आप समझ गए होंगे इसका अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल 140 पर क्लिक करेंगे, फिर माइनस डिस्काउंट पे। भैया आपने 140 की चीज खरीदी है, 14 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया आपको, तो 140 में से 14 रुपीज को माइनस कर देंगे, तो आपका प्राइस कितना आ गया 126 रुपीज। और हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा सभी का अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, आपको एक एक करके नहीं करना। देखिए बेटा आपको जैसे आपको एक बार आप फॉर्मूला लगा लोगे
उसके बाद अगर आप ड्रैग करते हो तो सबकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसके साथ कोई नया प्रोडक्ट जोड़ती हूँ, मैंने एक और पेन यूज़ किया यहाँ पर, अब पेन हमारा कितने का है 15 रुपीज़ का और हमने 6 पेन परचेज करे, तो देखिएगा ध्यान से सारी कैलकुलेशन अपने आप हो गई, हमें उसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने एक बार फॉर्मूला पुट कर रखा है, हम कोई भी प्रोडक्ट नया या पुराना जैसा भी चाहे, हमने रजिस्टर लिया एक और रजिस्टर लिखा मैंने 10 रजिस्टर का, हमने 90 रुपीज का और हमने खरीदे 2 रजिस्टर। अब आप ध्यान से देखिएगा ये सारे फॉर्मूले अपने आप इस पे आ जाएंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसको अगर इसका फाइनल टोटल निकालना है तो आप इसके ऊपर यहाँ जाइएगा इक्वल सम, मैंने एक वीडियो में आपको बताऊंगी आगे फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में भी सम, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके सारे प्रोडक्ट्स का सम आ जाएगा, ठीक है। आया बेटा समझ में, हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया, मैं आपके लिए जूम और बड़ा कर देती हूँ इसका और मैं आपको एक बार और फॉर्मूले बता देती हूँ। देखो मैंने आपको जूम बड़ा कर दिया, देखिए अब इसका अपने आप टोटल आ गया। मैं आपको ये तीनों फॉर्मूले एक बार दोबारा बता देती हूँ, देखिए आपको कैसे करना है, इसको सब मैं रिमूव कर देती हूँ और फिर से आपको दोबारा ये तीनों फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज आपको यही फॉर्मूले मैं दोबारा से बता रही हूँ, टोटल निकालना हो तो जो सिग्मा होता है ना ऑटो सम, इस पर आप 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, नहीं ऑटो सम नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमें क्या करना है, कॉस्ट की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करनी है, कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट पे क्लिक करेंगे B2 और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो 70 × 2 तो हमारा आंसर आ गया 140। और हमें नीचे की तरफ करना है तो आप ऐसे लेकर इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए मैं इसका एक और तरीका बता रही हूँ आपको, सपोज ये तो आपके 8 आइटम है आपने ड्रैग कर दिया, लेकिन सपोज आपके 1000 आइटम हो तो आप ये जो डॉट आ रहा है ना पतला सा बिल्कुल कोने पर, इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा, आपको ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो छोटा सा डॉट है इस पर जाके आप ड्रैग करेंगे तो अपने आप टोटल निकल जाएगा। उसके नेक्स्ट आपको निकालना है डिस्काउंट 10%, तो क्या करेंगे देखिए इक्वल टोटल पे क्लिक करेंगे मल्टीप्लाई 10%, और ये कंपलसरी नहीं है आप 10% लिखें, सपोज आप अपने कस्टमर को 12% डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ 12% भी आप लिख सकते हैं और फिर आप ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए तो सारा फॉर्मूला पुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें अमाउंट निकालना है तो इक्वल 140 − 14, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो यही अमाउंट आपका सबका हो जाएगा, देखिए, और फिर आप इसका यहाँ पर फाइनल टोटल निकाल सकते हैं ऑटो सम करके। ये ऑटो सम का यूज तब होता है जब हमें किसी का भी सम करना हो, ओके। देखिए और अगर आपको इसके फॉर्मूले देखने हो तो ये आपके सम F2 से लेकर F9, इसको बोलते हैं बेटा रेंज, F2 से लेकर F9 तक का मुझे सम करना है। लेकिन मैंने आपको प्रोडक्ट शीट बताई, वैसे तो ये और भी बन सकती है, लेकिन पहले आप इसी को ट्राई करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करिए। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बताए हैं एक्सेल के, और ये जो फॉर्मूले हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में भी समझाऊंगी कि सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने छोटी सी प्रोडक्ट शीट कैसे बना सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। एक्सेल में बनाने से हमें ये फायदा होता है कि अगर हम एक बार फॉर्मूला लगा लेंगे और फिर चाहे हमारे 1000 भी प्रोडक्ट्स हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सपोज आप मॉल में जाते हैं, मॉल वालों ने कहा आपको 10% डिस्काउंट है और आप उनसे सामान खरीद के लाए, तो आप घर आके उसको चेक भी कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा डिस्काउंट सही लगाया या नहीं लगाया। और ये एक्सेल आपके बेटा मोबाइल के सॉफ्टवेयरों में भी चल जाता है, आप हैंड टू हैंड भी चेक कर सकते हैं कि कोई एंट्री आपकी सही हो रही है या गलत हो रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।